हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुपरवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। ये यहाँ अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी, लेट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे, वो आपसे क्या कहना चाह रहे थे। तो रिलैक्स हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इंटेंशन सही रखें और अपने पर्सन के बारे में सोचें। लेट नाइट वो क्या महसूस कर रहे थे आपको लेकर, इन जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जस्ट प्लीज गाइड करे, डिवाइन गाइड करे, ऑल आर्किंग दिव्य शक्ति गाइड करे, राधा रानी गाइड करे, कृष्ण गोविंद गाइड करे, माँ काली शेरावाली गाइड कर। लेट नाइट मेरे व्यूअर्स, पार्टनर के थॉट्स क्या थे, क्या वो महसूस कर रहे थे। बहुत अच्छे तो नहीं दिखाई दे रहे थे। टावर मूवमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, या ये मैरिड है, या फिर आप को लेकर, कमिटमेंट को लेकर ये सोच रहे थे। एट ऑफ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, देखिए हो सकता है इनके लाइफ में जो फीमेल है ये मैरिड भी हो सकते हैं और इनके कोई मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, या फिर कोई और लेडी हो सकती है, जो आपके पार्टनर के बीच, उनके बीच टावर मूवमेंट आया। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज और उदास थे, और ये अगर मैरिज थे तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, जो कि कोई फीमेल भी है, ठीक है। अगर ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई फीमेल है जो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही थी आपके पार्टनर को, और इसी बीच उन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, टावर मूवमेंट आया, और आपके पर्सन को ऐसी एनर्जी है कि इस कंफ्यूजन से निकलना है और इन्हें कहीं दूर चले जाना है। ये घर से निकलने की भी प्लानिंग कर रहे थे, दूर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, आपको कमिटमेंट देने की प्लानिंग कर रहे थे। देखिए कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा भी थॉट था कि शायद वो अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इनकी एक ऐसी भी एनर्जी थी कि प्रॉब्लम्स बहुत हो चुके हैं, सब छोड़ छाड़ कर किसी और सिटी में भी जाना चाह रहे थे, ना आपके तरफ और ना ही थर्ड पार्टी की तरफ, ऐसी एनर्जी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डियर, ये पर्सन आपसे मिलना भी चाह रहे थे और आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाह रहे थे। देखिए दुविधाएं तो बहुत है, इंतजार भी करा रहे हैं, और देखिए कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन भी हैं, जहां उनसे भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनके लाइफ में, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो कहीं ना कहीं आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, और कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन रहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा दुखी और उदास है। लेकिन इनकी दिली इच्छा है कि आपसे एक बार बात कर लूं, क्लियरिटी कर लूं, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, द चैरियट की एनर्जी आई है। ये पर्सन की दिली इच्छा हो रही है कि आपसे वो बात करे, लेकिन आपको अभी भी वेटिंग एनर्जी में डाल रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है डियर, बहुत जल्द आप लोग का कॉल मैसेज उनके तरफ से आने वाला भी है, क्योंकि द चैरियट की एनर्जी है और यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन के अंदर एक पेन भी है, और देखिए कमिटमेंट से रिलेटेड ये प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर ये मैरिड है तो उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, अगर इनके मदर हो, सिस्टर या सिस्टर इन लॉ हो, या फिर कोई ऑप्शन हो आपके अलावे, तो ये पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आया है और बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर्सन को लग रहा है कि शायद इनके लाइफ में कोई खुशी ना हो, सुकून ना हो, इन्हें छोड़कर कहीं दूर चले जाना है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और ये पर्सन के मन में कंफ्यूजन भी बहुत है, और ये कहीं ना कहीं कभी कभी इनका दिल भी कह रहा है डियर कि आपकी तरफ बढ़ कर आऊं, आपकी तरफ ट्रेवल करूं, या फिर उन्हें ऐसा भी लगा कि कॉल मैसेज कर आपको खुद मिलने के लिए बुलाऊं। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, आपके पार्टनर खुश नहीं थे, ना आप मतलब आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं और ना ही थर्ड पार्टी से ये निकल पा रहे हैं। अगर फैमिली है, प्रेशर है, कोई फीमेल है, उनके वजह से बहुत ज्यादा कन्फ्यूज है, दुविधा में है। और देखिए कमिटमेंट से रिलेटेड इनके दिमाग में हर वक्त रहता है आपको लेकर, जो कि ये नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ये इस वक्त एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है टावर मूवमेंट आ रहा है और कोई ऑप्शन है आपके पार्टनर के अलावा, आपके अलावा उनके लाइफ में कोई ऑप्शन है। तो आज ये पर्सन रो रहे हैं, क्योंकि इनके साथ भी अब गलत हो रहा है। इन्होंने अगर आपके साथ गलत किया है, तो इनको नींद भी नहीं आ रही, एंजाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी बहुत ले रहे हैं, और किसी ऑप्शन, अगर आपके अलावे किसी ऑप्शन में ये पर्सन गए हैं, अगर उनके साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, और उनके साथ ट्रैवल वगैरह कर रहे थे, तो ये जो भी हो, मेल हो, फीमेल हो, कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर भी कर रहा है, और उन दोनों के बीच में
टावर मूवमेंट भी आया है व्यूअर। तो आपके पार्टनर लेट नाइट बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन उनको सच में यहाँ ये एहसास हो रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। ये चीज की इनको थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ, ये चीज नहीं कर पा रहे हैं और ये ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए डियर, यहाँ आपके पार्टनर कहीं दूर भी निकलना चाहते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। ना वो थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव दे रहे हैं और ना ही आपकी तरफ झुकाव दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी व्यूअर्स के पार्टनर हैं जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ट्रैवल भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको वेटिंग एनर्जी में डाल रहे हैं क्योंकि उनकी हालात ठीक नहीं है। ठीक है, अभी वो खुद पर काम करना चाहते हैं ट्रैवल को लेकर या काम को लेकर, या ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं, सिटी चेंज करना चाहते हैं और कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं, पास्ट से निकलना चाहते हैं, खुद को बैलेंस करना चाहते हैं। और आने वाले टाइम में यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत ही स्ट्रांग होकर बहुत आपको तरफ आपके तरफ बढ़कर वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन की सही परिस्थिति नहीं है। जब जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो बहुत ज्यादा उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल आते हैं, थर्ड पार्टी इश्यू होती है, टावर मूवमेंट आता है और वेटिंग एनर्जी डालते हैं। लेकिन ये पर्सन जो भी हो, जैसे हो, इनको लाइफ में ट्रिगर किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने जो गलतियां की हैं आपके अलावा किसी और के साथ गए हैं या ऑप्शन के साथ गए, या ये मैरिड है या मैरिज कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कोई फीमेल भी है, कोई मेल भी है डियर, ऐसा नहीं है, जो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है। अगर इनके लाइफ में कोई ऑप्शन थे, आपके अलावा फ्लर्टिंग चला था, दोस्ती यारी चल रही थी, तो उनके बीच में टावर मूवमेंट आया है व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में। सारे साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सारे साइन आ चुके हैं, ठीक है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है और एयर साइन है, सारे साइन है व्यूअर्स, ठीक है। तो ये है लेट नाइट आपके पार्टनर के थॉट्स, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन एंजाइटी हो रही है, गलतियों का एहसास है, खुद पर काम करना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स आपके तरफ कॉल मैसेज करने वाले हैं, आपके पर्सन द चैरियट की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके तरफ ट्रैवल भी करने वाले हैं, कुछ के पार्टनर काम के सिलसिले में आपकी यादों से दूर, थर्ड पार्टी से दूर, कहीं अपने आप को दूर ले जाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप कुछ व्यूअर्स को वेट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी स्थिति और परिस्थिति सही नहीं है। हाँ, बहुत व्यूअर्स आपकी तरफ एक्शन होने वाला है, कॉल मैसेज आने वाला है। ये है आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।